dear students, as you know, we are doing chapter number 10, Employment and Unemployment of Indian Economic Development. Previous video में हमने discuss किया meaning of unemployment, meaning of workers. Workers को further two parts में divide किया गया, self-employed worker and hired workers. Hired workers को आगे further two parts में divide किया गया, regular as well as casual workers. इसके बाद हमने बात की लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई एंड वर्कफोर्स की. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया. अब देखिए वर्कफोर्स क्या होता है. वर्कफोर्स मींस परसेंटेज ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग. इट मींस वो पर्सन जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स. दोज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग, जो काम करना चाहते हैं बट काम नहीं कर रहे हैं, उन पर्सन को हम वर्कफोर्स में इंक्लूड नहीं करते. इट मीन्स वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है, पर्सन एक्चुअली वर्किंग. वो पर्सन जो एक्चुअल में किसी भी काम में एंगेज है, किसी भी एक्टिविटी में एंगेज है, चाहे वो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो या फिर सर्विस एक्टिविटी हो. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडिया में वर्कफोर्स से रिलेटेड. फर्स्ट दैट इज इंडिया हैज अ वर्कफोर्स ऑफ नियरली 40 करोड़. इंडिया में अगर हम बात करें तो 40 करोड़ पर्सन ऐसे हैं जो कि वर्कफोर्स में इंक्लूड है. इट मीन्स 40 करोड़ पर्सन ऐसे हैं जो कि एक्चुअली वर्किंग है. अब जो 40 करोड़ जो पर्सन हैं उसमें 70% मेल मेंबर्स एंड 30% फीमेल. इट मीन्स अगर उसको 100 अज्यूम कर लिया जाए तो 70% मेल वर्कर्स हैं और 30% फीमेल वर्कर्स. आफ्टर दैट अगर हम बात करें एरिया के अकॉर्डिंग तो टोटल 100 का 70% जो वर्कफोर्स है दैट इज रिलेटेड टू रूरल एरिया एंड 30% दैट इज रिलेटेड टू अर्बन एरिया. आफ्टर दैट अगर हम फीमेल वर्कफोर्स की बात करें, इट मींस अगर टोटल 100 अज्यूम कर लिया जाए तो रूरल एरिया में टोटल वर्कफोर्स का 41.8% क्या है फीमेल मेंबर्स एंड अर्बन में उसकी जो रेशियो है दैट इज 35.31. इट मीन्स इसमें जो मेन पॉइंट्स है, सबसे पहले हमें बताना है टोटल 40 करोड़ जो वर्कर्स हैं, 40 करोड़ पर्सन ऐसे हैं जो कि वर्कफोर्स में इंक्लूड है. इसमें से 70% मेल मेंबर, 30% फीमेल मेंबर. अर्बन एरिया का जो शेयर है दैट इज 30%, रूरल एरिया का जो शेयर है दैट इज 70%. और अगर हम फीमेल वर्कफोर्स की बात करें तो रूरल एरिया में जो फीमेल जो वर्कफोर्स है दैट इज 41.8% और अर्बन एरिया में जो रेशियो है दैट इज 35.31%. अब इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद मेनली टू क्वेश्चंस माइंड में आते हैं. इट मींस दीज फैक्ट रेज टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टू क्वेश्चंस मेन इसमें रेज होते हैं. फर्स्ट, व्हाई इज बल्क ऑफ अवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड. इट मींस अगर हम देखें रूरल एरिया में जो वर्कफोर्स है दैट इज 70% एंड अर्बन एरिया में ओनली 30%. इट मींस मैक्सिमम जो वर्कफोर्स है वो विलेजेस में क्यों रहती है, उसके पीछे जो रीजन है. फर्स्ट, बल्क ऑफ जॉब अवेलेबल इन द रूरल एरिया. इट मींस रूरल एरिया में नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है रिलेटेड टू फार्मिंग या जो भी उसकी अलाइड जो भी सहायक जो एक्टिविटीज है, जैसे अगर हम कहें एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें पर्सन एंगेज है. दैट्स व्हाई वर्कफोर्स का 70% रूरल बेस्ड है. आफ्टर दैट पीपल्स आर एंगेज इन फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज. फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज का मतलब होता है उसकी जो सहायक जो एक्टिविटीज हैं लाइक एनिमल हस्बेंड्री, इसमें कैटल आ जाएंगी, ठीक है, इंडस्ट्री, हाउस होल्ड जो इंडस्ट्रीज है वो इसमें इंक्लूड होती है. आफ्टर दैट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम जो वर्कफोर्स है वो रूरल बेस्ड है. इट मींस रूरल एरिया में वो पर्सन रह रहे हैं बट जीडीपी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है. बिकॉज लो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी. जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होने का जो रीजन है दैट इज लो प्रोडक्टिविटी. इट मींस फार्मिंग की में जो प्रोडक्टिविटी है, इट मींस पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो कम है. लो अर्निंग, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है इसलिए पर पर्सन जो इनकम है वो भी कम है. एंड दैट्स व्हाई वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का मतलब होता है पॉवर्टी का बहुत ज्यादा स्प्रेड होना, बहुत ज्यादा फैला हुआ होना. इट मींस मैक्सिमम जो रूरल एरिया में जो पर्सन है वो क्या है, पुअर है. सेकंड जो क्वेश्चन इसमें अराइज होता है, व्हाई द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरिया. इट मींस अगर हम बात करें रूरल एरिया की तो उसमें फीमेल वर्कर की जो परसेंटेज है दैट इज 41.8% और अर्बन एरिया में फीमेल वर्कर की जो रेशियो है दैट इज 35.31.
तो इट मींस टोटल वर्क फोर्स में जो फीमेल वर्कर है उसकी परसेंटेज कम होने का रीजन क्या है? तो इसके जो रीजन है, सबसे पहला जो रीजन है, दैट इज लेस अपॉर्चुनिटी फॉर फीमेल एजुकेशन। अगर हम बात करें फीमेल एंड मेल, इट मींस जेंडर के अकॉर्डिंग बायसनेस है, ठीक है। बॉयज के पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स। सेकेंड, इन अर्बन एरिया जो वर्क फॉर वोमेन इज गवर्न बाय द फैमिली डिसीजन, इट मींस जो गर्ल्स हैं वो काम करेंगी या नहीं करेंगी, फीमेल्स काम करेंगी या नहीं करेंगी, वो उनका पर्सनल डिसीजन नहीं होता, वो किसका डिसीजन होता है? फैमिली का। इट मींस फैमिली डिसाइड करेगी कि जो वोमेन है वो काम करेंगी या फिर नहीं करेंगी। दैट्स वाई फीमेल की जो परसेंटेज है वो कम है अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया में। थर्ड जो रीजन है, हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग द वोमेन इन द रूरल एरिया ड्यू टू, इट मींस अगर हम अर्बन और रूरल दोनों को कंपेयर करें तो रूरल एरिया में वोमेन जो वर्क फोर्स है उसकी परसेंटेज ज्यादा है। इट मींस वोमेन जो है रूरल एरिया में ज्यादा काम करती हैं। उसके पीछे जो रीजन है, दैट इज विलेजेस में बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, इस वजह से जो लेडीज हैं दैट आर एंगेज इन लो पेड एंड लो प्रोडक्टिव जॉब, क्योंकि इनकम नहीं है। दैट्स वाई जो फीमेल्स हैं वो किसमें एंगेज हैं? लो पेड। लो पेड का मतलब जहां पे सैलरी कम है, वेजेस कम है, या फिर लेस प्रोडक्टिव जॉब। लेस प्रोडक्टिव जॉब मतलब जिसके लिए कुछ आपको स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स वाई वेजेस इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब होता है जैसे वीट, राइस। विलेजेस में जो फीमेल वर्किंग है उनको जो पेमेंट है वो कैश में करने की बजाय जो पेमेंट है वो किस वे में होती है? ग्रेन की फॉर्म में। इट मीन वीट दे दिया, राइस दे दिया, या अदर फॉर्म्स हो सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया एंड वाई इज बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स रूरल बेस्ड, एंड थर्ड वाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरिया। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन मींस इट रेफर्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो परसेंटेज लगी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेशन रेट। इट मींस 100 में से कितने परसेंट पर्सन ऐसे हैं जो कि वर्किंग है, दैट इज पार्टिसिपेशन रेट। तो पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, दैट इज टोटल वर्क फोर्स। टोटल वर्क फोर्स का मतलब होता है वो पर्सन जो एक्चुअली एंगेज है, जो एक्चुअली लगे हुए प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100। तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? पार्टिसिपेशन रेट। अगर इंडिया की बात की जाए अकॉर्डिंग टू 2017 एंड 18 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्बन एंड रूरल एरिया। इट मींस अर्बन एरिया में 33.9% ऐसे हैं जो कि वर्किंग है, जो कि एंगेज है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, और उसमें से मेल मेंबर दैट इज 53% एंड फीमेल दैट इज 14.2%। एज कंपेयर टू अर्बन जो रूरल एरिया है उसमें जो पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज 35%। वी कैन कंपेयर अर्बन एरिया में है ओनली 33.9% और रूरल एरिया में जो परसेंटेज है दैट इज 35%, और उसमें जो मेल मेंबर है, जो मैन है, दैट इज 51.7% और जो वोमेन, इट मीन जो फीमेल मेंबर्स है, दैट इज 17.5%। एंड आफ्टर दैट ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज अबाउट 34.7%। इट मींस अगर हम ये कहें इंडिया में जो 100% पॉपुलेशन है, 100 का कितना परसेंट पर्सन है जो कि पार्टिसिपेट करता है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, इट मींस दैट इज 34.7%। तो रिमेनिंग जो पर्सन है वो क्या है? जो कि डिपेंडेंट है, ठीक है। ओनली कितना परसेंटेज पॉपुलेशन वर्किंग है? 34.7%। रिमेनिंग जो परसेंटेज है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दीज 34.7%। तो इन डाटा के बेस पे कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई। फर्स्ट, दैट इज हाई डिपेंडेंसी रेट। डिपेंडेंसी का मतलब होता है वो पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे अगर हम कहें छोटे बच्चे, चिल्ड्रन जो होते हैं, या ओल्ड एज जो पर्सन है। इंडिया में जो डिपेंडेंसी रेट थी अकॉर्डिंग टू 2017-18, दैट इज 34.7% पर्सन वर्किंग है, और रिमेनिंग जो पर्सन है दैट आर डिपेंडेंट ऑन 34.7% पर्सन। इट मींस रिमेनिंग अगर हम बात करें दैट इज नियर अबाउट 35%। 35% पर्सन वर्किंग थे, तो इट मींस 65% जो वर्कर थे, जो पर्सन थे, वो क्या थे? डिपेंडेंट।
अकॉर्डिंग टू 2017-18. इट मीन्स डिपेंडेंसी रेट बहुत ज्यादा है इंडिया में. सेकेंड, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द रूरल एरिया. अगर हम रूरल एरिया को कंपेयर करें अर्बन एरिया से, रूरल एरिया में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो 35% है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, दैट इज 33.9%. इट मीन्स विलेजेस में जो पार्टिसिपेशन रेट है वो ज्यादा है बट जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, कम है. क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है दैट्स वाई इनकम का लेवल कम है, लो लेवल ऑफ इनकम, और इनकम का लेवल कम है इसलिए ग्रेटर पॉवर्टी. अर्बन एरिया की बजाय विलेजेस में, रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा है. आफ्टर दैट नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन द रूरल एरिया. इट मीन्स रूरल एरिया में जो वुमेन है उसकी पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है. अगर हम बात करें रूरल एरिया में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन रेट है दैट इज 17.5% और अर्बन में दैट इज 14.2%. इट मीन्स रूरल एरिया 17.5% इज मोर देन, ग्रेटर देन अर्बन एरिया दैट इज 14.2%. विलेजेस में जो वुमेन्स है वो ज्यादा वर्किंग है, उसके पीछे जो रीजन है दैट इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. क्योंकि विलेजेस में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है इसलिए जो लेडीज हैं, जो फीमेल पर्सन्स हैं, वो बाउंड है काम करने के लिए. बट वो किस टाइप का काम कर रही है, लेस प्रोडक्टिव जॉब. लेस प्रोडक्टिव जॉब का मतलब होता है वो जॉब जिसमें उनको ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ लेस एजुकेशन फैसिलिटी. अगर हम अर्बन एरिया से कंपेयर करें तो रूरल एरिया में जो एजुकेशन फैसिलिटीज है वो कम है फॉर गर्ल्स, दैट्स वाई वो किसी ना किसी काम में अंगेज है. लेस प्रोडक्टिव जॉब वो करती है और उनकी जो वेजेस रेट है, वेजेस रेट भी बहुत कम है. इट मीन्स कम पेमेंट पे वो काम करती है. दूसरा, उनको जो पेमेंट है वो कैश में मिले ये कोई जरूरी नहीं है. पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, ठीक है, वीट राइस की फॉर्म में उनको पेमेंट मिलती है. सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर वर्कर्स इन इंडिया. इट मीन्स इंडिया में कितने पर्सन है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है. सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जिनका खुद का काम है, खुद का जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं. एंड हायर वर्कर्स मीन दोज हु आर वर्किंग अंडर समवन, जो किसी अदर पर्सन के अंडर काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, किसी कंपनी में अगर वर्किंग है तो दैट इज हायर वर्कर. तो सेल्फ एम्प्लॉयड एंड जो हायर वर्कर्स है उसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड जेंडर. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की. सेल्फ एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, इट मीन्स अर्बन एंड रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन है उसकी क्या परसेंटेज है. अर्बन एरिया में दैट इज 38.3% एंड इन द रूरल एरिया दैट इज 57.8%. इट मीन्स अर्बन एरिया में 38.3% पर्सन ऐसे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है और रूरल एरिया में 57.8% ऐसे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है. सो वी कैन कंपेयर रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है. आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू जेंडर, मेल जो पर्सन है दैट इज 52.3% एंड फीमेल 51.9%. तो हम कंपेयर कर सकते हैं, इट मीन जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो रेशियो है वो मेल की ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल. आफ्टर दैट बात करते हैं हायर वर्कर्स की. हायर वर्कर्स को भी फर्दर टू बेसिस पे डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. एरिया के बेस पे अगर हम बात करें, अर्बन एरिया में जो हायर वर्कर्स है उसकी रेशियो है 61.7% और रूरल एरिया में जो रेशियो है दैट इज 42.2%. इट मीन्स अर्बन एरिया में पर्सन जो है वो ज्यादा वर्किंग है इन फैक्ट्रीज, ऑफिस एज कंपेयर टू रूरल एरिया. और अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल की, तो मेल मेंबर जो कि हायर्ड है, मतलब जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, उसकी जो रेशियो है दैट इज 47.7% और फीमेल दैट इज 48.1%. तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, इट मीन जो फीमेल की जो रेशियो है जो कि हायर्ड वर्कर्स हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल मेंबर्स. आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दीज डाटा, इन डाटा के बेस पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज हायर इन रूरल एरिया एज कंपेयर टू अर्बन एरिया. इट मीन्स रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है वो ज्यादा है, ठीक है. रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है दैट इज 57.8% और अर्बन एरिया में जो रेशियो है दैट इज 38.3%. तो उसके क्या रीजन है. फर्स्ट, इन अर्बन एरिया में स्किल्ड वर्कर्स,
अर्बन एरिया में मैक्सिमम जो पर्सन है वो स्किल्ड है, स्किल्ड का मतलब वो किसी ना किसी काम को करने में परफेक्ट है, वो एजुकेटेड है एंड वर्किंग इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज। दैट्स वाई अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की रेशियो कम है। इट मीन्स पर्सन जो है वो कैसे है, हायर, जो कहीं कंपनीज में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। और इन रूरल एरिया लेस नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहां पे जो पर्सन है उनके पास अदर देन फार्म, अदर देन फार्मिंग, एग्रीकल्चर के अलावा अदर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और अगर है तो उसकी रेशियो बहुत कम है। सेकेंड, लेस प्रेफरेंस टू एक्वायर स्किल एंड ट्रेनिंग। इट मीन्स विलेजेस में, रूरल एरिया में ट्रेनिंग और स्किल का भी कोई प्रोविजन नहीं है भी पर्सन को ट्रेन किया जाए, ठीक है। इस वजह से रूरल एरिया में जो परसेंटेज है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वो ज्यादा है, क्योंकि जो पर्सन है वो अपनी खुद की जो एक्टिविटीज है लाइक फार्मिंग, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, तो इन कामों में वो वर्किंग है, उन कामों में वो एंगेज है। आफ्टर दैट इन्हीं परसेंटेज के बेस पे अमंग मैन, अगर हम मैन की बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटर देन वोमेन। अब देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेल मेंबर्स में ज्यादा है, दैट इज 52.3% एज कंपेयर टू फीमेल, दैट इज 51.9%। आफ्टर दैट अगर हम बात करें वोमेन की, वेजेस एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हायर वर्कर, जो किसी के अंडर काम कर रही है, ऑफिसेज में काम कर रही है, फैक्ट्रीज में काम कर रही है, स्कूल कॉलेजेस में काम कर रही है, तो जो वोमेन है उसकी जो रेशियो है दैट इज 48.1% एज कंपेयर टू मेल मेंबर, दैट इज 47.7%। एंड रीजन बिहाइंड दैट, इट मीन्स जो फीमेल जो वर्कफोर्स है वो ज्यादा एंगेज है हायर में, इट मीन्स वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेस में काम करती है। उसके पीछे बहुत से रीजन है, उसमें फर्स्ट जो रीजन है दैट इज लो लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फैसिलिटीज कम है फीमेल्स के लिए, हाई कंपल्शन फॉर जॉब, ठीक है, फैमिली की इनकम को इंक्रीज करने के लिए या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनको जॉब करनी पड़ती है। थर्ड जो रीजन है, रेडी टू वर्क एट द लो वेजेस रेट, जो फीमेल जो वर्कफोर्स है वो लो वेजेस रेट पे भी काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। एंड नेक्स्ट, मोर ओवर वोमेन इन रूरल एरिया फाइंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज। एम्पल का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इट मीन्स अगर हम विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में जो फीमेल जो वर्कफोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, और उसके पीछे जो रीजन है, विलेजेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है फीमेल्स के लिए, लाइक स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड ब्लीचिंग। इट मीन्स ये ऐसी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं जिसमें फीमेल्स जो है एंगेज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट हायर वर्कर्स एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। And in the next video, we will discuss about the distribution of workforce by industry या different sector. It means primary sector, secondary sector and tertiary sector. उसमें जो workforce का जो distribution है उसकी क्या ratio है and what are the reason behind that. Till then, revise this topic. Keep watching the video. Thank you dear student. Thank you so much.